एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा फ्लो के बारे में। डेटा फ्लो में क्या क्या इंपॉर्टेंट जरूरी है, क्या हमको डेटा फ्लो क्यों कराना चाहिए, इसके बारे में हम ए टू जेड डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन थे तो उसके हम सारे डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, देखो जो डीएचए का जो टोटल होता है तीन स्टेप होता है। एक होता है हमारा डीएचए का एग्जाम होता है, फिर दूसरा होता है हमारा डेटा फ्लो होता है, और तीसरा होता है हमारा डीएचए का एलिजिबिलिटी लेटर। तो देखो चाहे हम डेटा फ्लो का तो हम लोग चाहे डेटा फ्लो एग्जाम से पहले भी करा सकते हैं या एग्जाम के बाद भी करा सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने ऊपर रहता है तो हमको कैसा करवाने का है। ठीक है, तो एक तो बहुत लोग ये होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं, अपने मन से वो लोग ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं एग्जाम का, और वो लोग एग्जाम देते हैं और पास हो जाते हैं, लेकिन ना उन लोग ना लोग एलिजिबल लेटर लेके नहीं आते, बल्कि वो लोग रिजल्ट लेके आते हैं, तो रिजल्ट पे जॉब नहीं मिलती है। तो एग्जाम देने के बाद हमको डेटा फ्लो कराना पड़ेगा, फिर डेटा फ्लो कराने के बाद हमको एलिजिबल लेटर मिलेगा। तो व्हाट इज डेटा फ्लो, जो हमारा जो पॉइंट है वो सेकंड वाला, डेटा फ्लो क्या है। देखो डेटा फ्लो एक थर्ड पार्टी है। तो डीएचए क्या करता है, डीएचए ना अथॉरिटी देता है डेटा फ्लो को कि ये सब डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन करना। ठीक है, कि जो 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 भी एग्जाम दे रहा है डीएचए का वो फ्रॉड तो नहीं है, उसने कुछ डुप्लीकेट उसने रिजल्ट तो नहीं बनाया, तो उसका काम है ये रिजल्ट वेरिफिकेशन करता है। जब ये रिजल्ट वेरिफिकेशन करता है तभी ये हमको परमिशन देता है डीएचए एलिजिबिलिटी लेटर के लिए। ठीक है, तो ये क्या करता है डेटा फ्लो, तो डेटा फ्लो ना वेरिफिकेशन करता है, और फिर ये वेरिफिकेशन डायरेक्ट वो डीएचए वाले को सबमिट करता है कि इसके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट पूरा हो गया। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये उसका काम ही है वेरिफिकेशन का। ठीक है, तो जो भी ये वेरिफिकेशन क्या करता है, उसके डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रहे हैं डिस्प्ले, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमको हमारे पास होना चाहिए तभी हमको डीएचए का एलिजिबिलिटी लेटर मिलता है। ठीक है, तो आपको जो डिस्प्ले पर डॉक्यूमेंट दिख रहा है ये सब ना वेरिफिकेशन करता है। अब ये वेरिफिकेशन कैसे करता है, ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया हूं, जो कि मैंने लिंक में शेयर कर दिया हूं। देखो हमको टेंशन किसी चीज का नहीं होता है वेरिफिकेशन का। देखो टोटल जो होता है वेरिफिकेशन वाला, ये हमारे रिजल्ट को वेरिफिकेशन करता है, डिग्री को वेरिफिकेशन करता है, और फिर ये हमारे फार्मेसी लाइसेंस को वेरिफिकेशन करता है, फिर हमारा जो होता है गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट को वेरिफिकेशन करता है, फिर हमारा जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को वेरिफिकेशन करता है। टोटल ये पांच छह हमको देखने को मिलता है जो इसके वेरिफिकेशन करता है। ठीक है, तो हमको टेंशन किसी का भी नहीं होता। जो टेंशन होता है हमारा वो हमारा एक्सपीरियंस लेटर को लेकर होता है कि एक्सपीरियंस लेटर हमारा वेरिफिकेशन होगा कि नहीं होगा। कि बाकी अगर हम जूनियर है तो यूनिवर्सिटी डायरेक्टली डेटा फ्लो यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट करता है और वेरिफिकेशन कर देता है। सिर्फ जो हमारा डाउट रहता है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर। ठीक है, तो एक्सपीरियंस फार्मा सर्टिफिकेट कैसे वेरिफिकेशन करता है, मैंने उसका एक लिंक है ना अपने बायो में डाल दिया हूं। ठीक है, तो आप जाके वहां पे चेक कर सकते हो कि उसने कैसा डेटा फ्लो हमारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को वो वेरीफाई करता है, उसका मैंने आपको लिंक डाल दिया, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन, और होता है पूरा ये रिपोर्ट। ठीक है, ये क्या करता है, जब पूरा जो रिपोर्ट तैयार हो जाता है, जब पूरा वेरिफिकेशन होता है, तो ये एक रिपोर्ट बनाता है पीडीएफ फाइल में। ठीक है, मैं आपको अपनी वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये देखिए, तो यही होता है डेटा फ्लो। ठीक है, डेटा फ्लो की रिपोर्ट होती है, पूरा पीडीएफ फाइल में आता है, फिर ये सबमिट होता है। ठीक है, डीएचए में ये सबमिट होता है, तो यही होता है डेटा फ्लो। ठीक है, तो जब हम डेटा फ्लो चालू करते हैं, हमारा एक आईडी पासवर्ड रहता है, उससे हम देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा रिपोर्ट कहाँ से कहाँ तक पहुँचा ये सब। ठीक है, तो ये देखो, ये पहला पन्ना आता है हमारा कंप्लीट करके। ठीक है, ये पहला पन्ना, तो ये जो रिजल्ट आता है इधर पे, आपको रिजल्ट दिख रहा होगा। ठीक है, तो यही मेरा देखो पॉजिटिव लिख के आता है। अगर यही मेरा पॉजिटिव, टोटल तीन जो रिमार्क आते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव, एक होता है अनेबल टू वेरीफाई, फिर एक ये होता है। अगर मेरा ये सब, अगर ये यहाँ पे मेरा आ जाता है सेकंड नंबर वाला पॉइंट इसके अंदर, तो ये क्या होता है, मेरा डेटा फ्लो वेरीफाई नहीं होता। जब मेरा डेटा फ्लो वेरीफाई नहीं होता तो मैं एज अ फार्मासिस्ट दुबई के अंदर काम नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, फिर देखो जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, देखो जो पहला होता है वो हमारा एजुकेशन सर्टिफिकेट, जितने भी हमारे मार्कशीट है, पासिंग सर्टिफिकेट है, कॉन्वोकेशन है, वो सब सबमिट होता है, और इसके बाद ना ये वेरीफाई करता है। तो इसमें हमको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अपने आप यूनिवर्सिटी, अगर हम जेन्युइन है तो यूनिवर्सिटी डायरेक्ट डेटा फ्लो कॉन्टेक्ट करती है यूनिवर्सिटी को, और यूनिवर्सिटी वेरीफाई तुरंत कर देती है। ठीक है, फिर हमारा होता है लाइसेंस, फार्मासिस्ट लाइसेंस वेरीफिकेशन होता है। हाँ, ये बंदा ये टाइम इश्यू हुआ था फार्मासिस्ट लाइसेंस, ये महाराष्ट्र फार्मेसी काउंसलिंग से, ये सब यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है हमारा गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। तो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट में टेंशन नहीं होता हमारा, जो भी हम जहाँ से भी अप्लाई करते हैं वो डायरेक्ट डेटा फ्लो को कॉन्टेक्ट करती है फार्मेसी काउंसिलिंग को, और वहां से वो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट और फार्मासिस्ट लाइसेंस दोनों एक साथ वेरिफिकेशन कर लेती है। ठीक है, तो फिर तीसरा होता है हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है, जो सबसे मेन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली कैसा होता है कि हम काम करते हैं वहां पे, जब हम छोड़ देते, कभी लग बचा डीएचए वाले ने फोन करा और हम वहां पे किसी ने दूसरे ने उठा लिया, तो उसने बोल दिया नहीं काम करता, तो वो वहां पे हमारा थोड़ा
मतलब जो रहता है एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, सिर्फ हमका एक्सपीरियंस में सर्टिफिकेट में थोड़ा टेंशन रहता है, लेकिन ये भी बहरहाल आराम से हो जाता है। अब वो कैसे होता है, मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया हूँ कि DHA कैसे हमारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को वेरीफाई करती है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। फिर इसके बाद हमारा एकदम लास्ट जो पन्ने पर डायरेक्ट वो हमारा रिमार्क आ जाता है, ठीक है, जो कैसा नहीं रिमार्क देखने को मिलता, रिकॉर्ड फाउंड, तुमको रिमार्क ऐसा देखने को नो डेरोगेटरी रिकॉर्ड फाउंड, हमको ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यही होता है डेटा फ्लो, ठीक है। तो ये आपको दिख गया होगा रिपोर्ट कैसा ये दिखता है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट में हमको ये सब चीज पूरा बाकायदा ऊपर लिखा रहता है ग्रीन में, ये वेरीफाइड वेरीफाइड। तो ये जब वेरीफाइड हो जाता है तब ये जाके सबमिट कर देता है किसको, DHA वाले को। तो DHA वाले क्या करते हैं, उसको रिलीज कर देते हैं, फार्मासिस्ट एलिजी लेटर को क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसकी बात करें इसकी वैलिडिटी कब तक होती है, इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल तक होती है, ठीक है। अगर 1 साल के अंदर हमने डेटा फ्लो करा, फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग 2023 के पहले महीने में मैंने डेटा फ्लो करा लिया, ठीक है, फिर मैं अगर 5वें महीने में एग्जाम दूंगा तो भी मैं एलिजिबल हूँ, 10वें महीने में एग्जाम दूंगा तो भी मेरा डेटा फ्लो एलिजिबल है, ठीक है, उसके बाद तुरंत हमको एलिजिबल लेटर मिल जाएगा। लेकिन 1 साल के बाद अगर मैं एग्जाम देता हूँ और फिर मैं वही पुराना डेटा फ्लो सबमिट करता हूँ तो वो क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, मुझे हमें वापस से डेटा फ्लो कराना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम तो अगर हमने डेटा फ्लो नहीं करा तो हमारे साथ क्या होगा, ठीक है, अगर हमने डेटा फ्लो नहीं करा तो हमको हमारे हमको एलिजिबल लेटर मिलेगा ही नहीं। जब हमको एलिजिबल लेटर नहीं मिलेगा तो हमको फार्मासिस्ट में हम दुबई के अंदर जॉब नहीं कर सकते। डेटा फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है DHA के अंदर, तो याद रखना। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने खुद से ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और उन लोग क्या करते हैं, उन लोग डायरेक्ट एग्जाम देते हैं और डायरेक्ट आ जाते हैं, वो हमारा रिजल्ट रहता है, हमारा फार्मासिस्ट लाइसेंस नहीं रहता है। हमको डेटा फ्लो फॉलो कराने के बाद हमको उसके बाद 3-4 महीने 3-4 दिन के बाद हमको एलिजिबल लेटर मिलता है, ठीक है। तो मेरी वीडियो को आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।